हमारा YouTube चैनल फिटनेस मॉम होम वर्कआउट ट्रेनर। तो आज है डे 6 और मैं फिर से ये सोचती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया होगा। काफी लड़कियों को यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, यहाँ भी पेन होगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे वर्कआउट आगे करते चले जाएंगे, धीरे 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 आपको पेन कम होता चला जाएगा। अगर आप वर्कआउट बीच में छोड़ेंगे और दोबारा से वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, फिर से आपको पेन होगा। इसलिए वर्कआउट ना छोड़े। एक बार जब आपको वर्कआउट की हैबिट लग जाएगी, तब आप खुद से वर्कआउट कर पाएंगे। और एक बार जहां लग के आपने 6 महीने वर्कआउट करा, एक तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसके बाद आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप दोबारा से कभी मोटे होते हैं तो आपको पता रहेगा कि आपको कैसे पतला होना है। तो यहाँ से यहाँ जाना है, डायरेक्ट यहाँ नहीं जाना है। कोई भी कुछ भी ऐसा रूल ना अपनाएं जिससे आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट हो। तो अच्छा डाइट और एक्सरसाइज करना है बस, ठीक है। आज की एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। वार्म अप आप कर लीजिए, पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले वार्म अप कर ले, या पोज करके वार्म अप कर ले। बिना वार्म अप करे कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छी स्पोर्ट्स ब्रा पहन के एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना पीना खाएं, ठीक है। आज हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं लोअर बॉडी का, ठीक है। तो लोअर बॉडी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेरी ये लैग है, मैं इसको पूरी तरह पीछे लगाऊंगी जैसे हम उसमें करते हैं। कैसे, 1 2 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कैसे किया मैंने, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपको इसको जंप करके करना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी करते हैं स्किपिंग विदाउट रोप, 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। पहले क्या किया हमने, टच स्किपिंग रोप, 10 10 सेकंड का रेस्ट लेकर चले, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे रेस्ट की नीड नहीं होती और रेस्ट करने से मेरी वीडियो बहुत ही लेंथी बन जाती है, तो इसीलिए मैं रेस्ट करके नहीं बनाती हूँ और पूरा लॉन्ग लेकर चलती हूँ। अगर आपको रेस्ट करना है तो आप बीच में पोज करें और रेस्ट करें, लेकिन 10-20 सेकंड से ज्यादा का रेस्ट ना करें, लेकिन एक सेट कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज आती है ग्लूट ब्रिज की। सीधा लेट जाएं, हाथों को हल्का सा यहां रखें, लेग्स को हिप्स के पास रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। उसके बाद थर्ड 3 एक्सरसाइज हो गई, और इन एक्सरसाइज की आप घर पर प्रैक्टिस करें जाते से ज्यादा, ताकि आप इनको बहुत अच्छे से कर सके। फोर्थ एक्सरसाइज आती है हमारी स्क्वाट्स की। स्क्वाट्स मैंने ऑलरेडी पहली दूसरी वीडियो में आपको कराए थे, आई होप सो आप लोगों को आ गए होंगे करने। तो मैंने पहली वीडियो में 10 और सेकंड वीडियो में 12 स्क्वाट्स कराए थे आपको, तो आज मैं 15 स्क्वाट्स कराऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अगर आप स्क्वाट्स नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे ये सोफा है, आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4, आप ऐसे स्क्वाट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज आती है माउंटेन क्लाइंबर। हाथों को स्ट्रेट और हाथों पे सारा जोर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ठीक है। अभी एक एक्सरसाइज और है, तो कितनी एक्सरसाइज हो गई है? 5 एक्सरसाइज हो गई है। अभी 6 एक्सरसाइज है, अगेन फीट टच आपको करना है पाइप्स के लिए। ऐसे लेट जाए सीधे और अपने यहां करें 1 2 3 4 5 6, सारा जोर यहां आना चाहिए, यहां रे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गुड, आई होप सो पहला सेट आपने बहुत अच्छा किया होगा। आप वीडियो को पॉज करें, फिर हम दूसरा सेट शुरू करते हैं। तो अब हम वीडियो का सेकेंड सेट शुरू करते हैं। अगेन हिप टच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20। गुड, उसके बाद क्या करना है आपको? स्किपिंग विदाउट रो। ओके, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। अभी मैं भी वर्कआउट बहुत कम करा रही हूँ, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरी वीडियोस की व्यूज बढ़ेंगे, मुझे लगेगा लोग पसंद कर रहे हैं, मैं एक एक घंटे का भी वर्कआउट कराऊंगी डायरेक्ट यूट्यूब पर। ओके, तो हो गई। अब थर्ड एक्सरसाइज क्या थी? ग्लूट ब्रिज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस एक्सरसाइज से आपका ये हिस्सा पूरा पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन सब कवर होता है ग्लूट ब्रिज में। ठीक है, ग्लूट ब्रिज के बाद क्या आता है? अगेन स्क्वाट्स, 15 स्क्वाट्स। रेडी हो जाए सब स्क्वाट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे? स्क्वाट्स करेंगे। मैं आपको इस पर करके दिखाती हूँ, अगर आपको करने नहीं आते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो अगर आपको स्क्वाट्स वैसे नहीं आ रहे हैं तो आप इन पर करें, बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होगा आपका। उसके बाद अगेन हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज आती है माउंटेन क्लाइंबर्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर के बाद क्या था? आपकी एंकल टच, फीट टच। लेट जाए सीधे और ये टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, उसके बाद सेट टू कंप्लीट, टेक 1 मिनट रेस्ट, पॉज द वीडियो एंड टेक 1 मिनट रेस्ट, देन वी विल स्टार्ट अगेन थर्ड सेट। अगर आपके पास टाइम है तो 5-5 सेट करें। अगर आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस करना चाहते हैं 5-5 सेट करें, अगर अंदर कैपेबिलिटी है। फिर बोल रही हूँ खाना पीना अच्छा करें, प्रोटीन जरूर लें एक्सरसाइज करने के बाद। तो हम थर्ड सेट शुरू करते हैं, मैं पीछे दिखाती हूँ कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये क्या हिप टच था। उसके बाद अगेन स्किपिंग विदाउट रोप, 1 2
20. जंपिंग करने से कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है और जितनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी आपका वेट उतनी जल्दी रिड्यूस होगा. थर्ड एक्सरसाइज अगेन ग्लूट ब्रिज. 1, 2, 3. पोजीशन का अच्छे से ध्यान रखें. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, or 15. ठीक है. उसके बाद ग्लूट ब्रिज के बाद अगर आपको रेस्ट चाहिए पोज करके रेस्ट कर सकते हैं 20 सेकंड से ज्यादा का नहीं. स्क्वाट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, or 15. ये मत सोचो कि आपसे नहीं हो रहा, सबसे होगा वर्कआउट. कोई पहले से सीख के नहीं आता, सबसे होंगे वर्कआउट धीरे. आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं परसों, महीना दो महीना लगेगा, कोई बात नहीं. आपको अच्छी बॉडी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी. स्क्वाट्स के बाद माउंटेन क्लाइंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. The last, again feet ankle touch, last workout day 6 का. और पूरी पूरी वीडियो देख के पूरा पूरा वर्कआउट करें. कल को मुझसे ये ना कहेंगे मेरा वेट रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप पूरा ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे वेट 100% रिड्यूस होगा. और जो मैंने वार्म अप की एक्सरसाइज सिखाई है आपको, एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद भी करनी है. कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, कभी वीकेंड में सिखाऊंगी. और इस डे 6 के बाद जो मेरी अगली वीडियो बनेगी वो डाइट पे बनेगी. मैं डाइट का लेकर आऊंगी संडे में चार्ट पूरा, उसको फॉलो करना है आपको. और डे 6 हम एंड करते हैं और अच्छा वर्कआउट करें. लाइक शेयर सब्सक्राइब